हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम स्टडी। और फ्रेंड, आज हम जो भी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अभी क्या है सेल चल रही है, तो इस सेल में जो भी बेस्ट सोलर प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको पड़ेंगे, उन सोलर जो बहुत सस्ते प्राइस में पड़ेंगे, उन सोलर प्रोडक्ट के बारे में मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। जो प्रोडक्ट अच्छे हैं साथ ही आपको उनको बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को देखना, एंड तक देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो में ले चलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं जो भी बेस्ट सोलर प्रोडक्ट है और बहुत ही कम प्राइस में आपको पड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो केवल आप लोगों की हेल्प के लिए है। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, फर्स्ट सोलर पैनल है जन सोलर कंपनी का है, 100 वाट का सोलर पैनल है, 12 वोल्ट वाला मोनो पर्क पैनल है। तो ये 2880 रुपये का रहा है, 2879। इसमें 10% डिस्काउंट आ जाएगा अगर आपके पास ICICI और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है दोनों का, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे, 287 रुपये आएगा। तो इसमें से आप माइनस करोगे तो लगभग ये आपको पड़ जाएगा 2600 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है, 100 वाट का मोनो पर्क सोलर पैनल। नेक्स्ट पैनल की हम बात करते हैं, जो कि है जन सोलर का 100 वाट का 12 वोल्ट पैनल है, ये पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल है, 2687 रुपये पर रेट दिखा रखी है। ये पैनल फ्रेंड आपको पड़ जाएगा, ये आपको लगभग 2400 रुपये में पड़ जाएगा, 2400 रुपये के समथिंग पड़ जाएगा। तो ये पैनल भी आप खरीद सकते हो, 100 वाट का सोलर पैनल आपको 2400 रुपये में मिल जाएगा यहाँ से। और परफॉर्मेंस अच्छी है फ्रेंड, इसके सारे पैनल मैंने टेस्ट करके देखे हैं, मेरे पास अवेलेबल है अभी भी, आप देखते होंगे मेरे वीडियो में। जो नेक्स्ट पैनल है ये 165 वाट का सोलर पैनल है, बट क्या है फ्रेंड, अभी GST बढ़ने के कारण सोलर पैनल की थोड़ी रेट बढ़ गई है, क्योंकि 1 अक्टूबर से सोलर पे GST 5% से बढ़कर 12% हो गया है। तब इसका देख लेते हैं हम इसका प्राइस, इसका जो डिस्काउंट आएगा इसमें 427 रुपये का आएगा 10%। अगर 427 रुपये हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3850 के समथिंग हमें पड़ जाएगा, जन सोलर 165 वाट का सोलर पैनल। जो नेक्स्ट सोलर पैनल है ये है 180 वाट का मोनो पर्क सोलर पैनल है, ये आपको पड़ जाएगा लगभग 4800 रुपये में पड़ जाएगा ये फ्रेंड, 10% डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। जो नेक्स्ट सोलर पैनल है ये 200 वाट का मोनो पर्क सोलर पैनल है, तो इसका 10% डिस्काउंट हो गया 614 रुपये। तो फ्रेंड इसमें 614 आप माइनस कर दोगे तो लगभग ये पड़ जाएगा आपको 5600 रुपये में पड़ जाएगा, 200 वाट का मोनो पर्क सोलर पैनल, 12 वोल्ट में है फ्रेंड ये भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर आपको जन सोलर का लेना है 50 वाट का मोनो पर्क सोलर पैनल लेना है, तो ये पड़ जाएगा आपको 1700 रुपये का पड़ जाएगा फ्रेंड, ये आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा इसमें भी, अगर आपके पास ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है। फिर नेक्स्ट सोलर पैनल देखते हैं हम, अगर आपको 50 वाट का पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल लेना है तो ये आपको पड़ जाएगा फ्रेंड 1350 रुपये के समथिंग पड़ जाएगा, 1300, ठीक है। नेक्स्ट सोलर पैनल, अगर आपको फ्रेंड आप इन्वर्टर की बात कर लेते हैं, जो भी स्टैंड सेल में अच्छे ऑफर चल रहे हैं और जो बेस्ट इन्वर्टर हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि UTL गामा प्लस पेवर साइन वेव इन्वर्टर है ये, तो ये पड़ जाएगा आपको 1040 का डिस्काउंट आ जाएगा और 9300 का पड़ जाएगा। जो नेक्स्ट है, अगर आपको 1KVA का UTL गामा प्लस 12 वोल्ट वाला लेना है, तो फ्रेंड ये आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये पड़ जाएगा MPPT टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है, बेस्ट सोलर इन्वर्टर है UTL का MPPT में, 1KVA इन्वर्टर में। इसका प्राइस है 9448 रुपये। फ्रेंड जो UTL का UTL गामा प्लस है, इसका MPPT जो ये इन्वर्टर है ये सबसे बेस्ट आता है इस सेगमेंट में। जो नेक्स्ट है UTL गामा प्लस 1KVA 12 वोल्ट 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है ये, इसके 12 और 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर अलग अलग आते हैं, तो ये पड़ जाएगा आपको 10349 रुपये में, ठीक है। अगर आपको 24 डबल बैटरी वाला सिस्टम लगाना है तो आप ये वाला इन्वर्टर खरीद सकते हो, अगर 1KVA तक आपको लोड चलाना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यदि फ्रेंड आपको DC सिस्टम लगाना है, 20 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोल ले रहा है, तो फ्रेंड ये सबसे बेस्ट है। UTL सोलर का जो ये चार्ज कंट्रोलर है ये बहुत ही अच्छा है और प्राइस भी इसका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास एक नॉर्मल इन्वर्टर, इसको आप सोलर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो,
तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, UTL का SMU ले सकते हो, ये आपको लगभग 2500 रुपये का पड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये अगर आपको PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी वाला बेस्ट सोलर इन्वर्टर चाहिए तो फ्रेंड ये PWM टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट है। इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 9000 का पड़ जाएगा। बट फ्रेंड ये 9000 का पड़ रहा है तो 9000 में आपको UTL गामा प्लस भी मिल जाएगा, तो वही लो MPPT टेक्नोलॉजी वाला। बस इसका एक एडवांटेज है कि हम इसमें जो ग्रिड चार्जिंग है उसको डिसेबल कर सकते हैं, इससे हमारे लाइट का बिल बचेगा, ओनली सोलर से चार्ज होगा और सोलर से ही लोड चलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट इन्वर्टर की, तो फ्रेंड जो अगर आपको जैसे UTL का SMU है वो PWM टेक्नोलॉजी पे बेस है, यदि आपको एक ऐसा SMU चाहिए जो कि MPPT टेक्नोलॉजी पे बेस है और आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दें, तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। स्मार्टन प्राइम MPPT प्लस 12 वोल्ट 24 वोल्ट 50 एम्पियर, इसकी प्राइस है 5985 रुपये। ये भी UTL SMU की तरह काम करता है, नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड ये आपको पड़ जाएगा लगभग 5500 रुपये का पड़ जाएगा, इसको ले सकते हो आप। बेसिकली MPPT टेक्नोलॉजी पे बेस है, बहुत ही अच्छा काम करता है। बट ये तो वो 50 एम्पियर में है फ्रेंड, और जो 30 एम्पियर वाला है इसका प्राइस इन्होंने 5300 रुपये में कर दिया है, तो ये पड़ जाएगा आपको लगभग 4800 रुपये में पड़ जाएगा। तो फ्रेंड आप 4800 की जगह आप वही लो 50 एम्पियर वाला, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्राइस में, 600-700 रुपये का फ़र्क है जिसमें आपको 50 एम्पियर का चार्ज कंट्रोल मिल जाएगा। आप इस पर ज़्यादा वाट की सोलर पैनल लगा सकते हो। फिर जो नेक्स्ट सोलर पैनल, अगर फ्रेंड यदि आपको 24 वोल्ट सिस्टम लगाना है डबल बैटरी वाला और आपको बहुत ज़्यादा लोड चलाना है, जैसे 1800 वाट का लोड चलाना है, तो फ्रेंड वो UTL के गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट पे पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए हमें दूसरा इन्वर्टर चाहिए, जो कि हाई लोड चला सके। तो फ्रेंड आपको ये 12960 रुपये में, उसी की प्राइस लगभग प्राइस में MPPT का स्मार्टन सुपरब 2500 kVA 2.5 kVA 24 वोल्ट 50 एम्पियर वाला MPPT सोलर PCU मिल जाएगा, और उसमें चार्ज कंट्रोलर भी 40 एम्पियर का है, इसमें 50 का है। तो फ्रेंड ये बेस्ट अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है और ज़्यादा वाट के सोलर पैनल लगाने हैं, तो ये 2.5 kVA वाला है फ्रेंड 24 वोल्ट में, तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस में पड़ रहा है आपको फ्रेंड, जा सकते हो। अगर आपको डबल बैटरी सिस्टम में जाना है तो स्मार्टन सुपरब 2500 kVA 2.5 kVA 24 वोल्ट पे आप जा सकते हो। फ्रेंड अगर आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा पसंद आया। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई नॉलेज आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच।